आप सब स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। फिलहाल में हम लोग कर रहे हैं बिहार एक्सप्लोर, बिहार राइड, और यही सब भाई के साथ रुके हुए थे। भाई भाई के साथ रह के तो भाई मज़ा आया एकदम। तीन दिन ये ट्रीटमेंट हुआ, घर जैसा खाना मिला, कुछ कह नहीं सकते हो। फिलहाल में आज हम लोग निकलने वाले हैं बांका, और देख सकते हैं कि जैसे हम लोग का लोकेशन भी सेट हो गया औरंगिया डैम। औरंगिया डैम है गोया के तर्ज पर, इसे फिर से खूबसूरती के रूप में बनाया जा रहा है। गोया के तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है, और यहाँ पर आप लोग को वाटर एक्टिविटी, हर चीज़ का जो वाटर एक्टिविटी है वो करने के लिए मिल जाएगा। इधर राइडर है तैयार तो हम लोग भी हैं तैयार। फिलहाल में निकलते हैं बांका की तरफ। तो फिलहाल में गाइस अभी हम लोग हैं औरंगिया डैम के रूट में, और अगर रियल खूबसूरती की बात करें बिहार का तो ये सब चेक करो भाई। आप लोग को रोड एकदम मस्त दिखेगी, लेकिन कुछ भी बोलो नीतीश सरकार ने एक काम तो बहुत अच्छा काम किया, रोड भाई पूरे बिहार में खूबसूरत रोड है, पक्की रोड है एकदम। अब कहीं भी आ जाने की सुविधा है, और ये जो प्राकृतिक सुंदर आप लोग को देखने को मिलेगा ये तो भाई सुंदर ही है। ये आप लोग को शहरों में, जैसे पटना के शहरों में हमारे घर के जैसे नालंदा है, वहाँ पर आप लोग ऐसे इतना पेड़ नहीं देखेंगे। उन लोग सब बुड़बक है, ठीक है, उधर बुड़बक लोग रहते हैं, उन लोग एक चीज जाते हैं पेड़ काटेंगे इसी में रहेंगे। अरे बुड़बक आदमी, जहाँ तक पेड़ रहेगा यहाँ तक, यहाँ ठंडी लग रही है, मेरा तबीयत भी कुछ खराब हो गया है। देख सकते कितना खूबसूरत बला है ये, और यहाँ के लोग भी भाई जिंदगी तो दो तीन दिन बढ़ ही रहा होगा इस शुद्ध ऑक्सीजन के कारण। भाई खूबसूरती की बात करें तो इधर तो भाई मन भाग गया एकदम, रोड की बात करें तो दिल भाग गया। देख सकते हैं इधर ऐसा रोड है कि उसे गाड़ी तीर सकते हैं, जैसे हम चलिए थोड़ा सा तीर के दिखाते हैं आप लोग को, ये देखो। और आप लोग की जहाँ भी आप हमारा गोप्रो कवर कर रही होगी, सिर्फ न सिर्फ पेड़ ही दिख रही होगी, पेड़ पौधे और अच्छे रोड, और साथ में पानी का कुछ कुछ छोटे छोटे झरने, तो ऐसा कुछ वादियाँ हैं खूबसूरत है। तो फिलहाल में चलते हैं आगे, आप लोग को ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, नहीं तो ज़्यादा पढ़ाई करने लगे तो इन लोग भी नज़र लगा देंगे आगे, पटनिया लोग इधर भी पेड़ उड़ का कटैया करने लगेंगे, इसीलिए ज़्यादा नज़र नहीं लगाते हैं। मिलते हैं आगे की तरफ। यही हम लोग का नाश्ता हो गया, और हमने अभी खाया बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा। तो फिलहाल में निकलते हैं आगे की तरफ। देखिए चाचा के दम नौसिखिया ड्राइवर है, हेलमेटो नहीं पहन रहे हैं, बेकार में घर का चिराग बुझ जाएगा। तो फिलहाल में निकलते हैं आगे की तरफ, और ये देख सकते खूबसूरत सा शहर प्रखंड कटोरिया प्रखंड बांका जिला में आती है। और फिलहाल में आगे की तरफ चलते हैं, और भाई स्वादिष्ट था लिट्टी चोखा, तो भाई ऐसे बिहार का पूरा फेमस है, अगर यहाँ स्वादिष्ट ना मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग आज लिट्टी चोखा का सेवन करके ही हम लोग निकले थे। तो फिलहाल में आगे निकलते हैं बांका पर्यटन औरंगिया डैम, और यहाँ पर आप लोग को दो पहिया वाहन का 20 रुपये, 3 पहिया का 30 रुपये, 4 पहिया का 50 रुपये, बस और भारी वाहन का 100 रुपये 4 घंटे का शुल्क है। और ये रहा, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से, कटवाते हैं और चलते हैं। सब एक जगह देखो ना चाचा, नहीं अलग अलग नंबर, अलग अलग टिकट, सब 60 रुपये 60 रुपये। पहुँचने वाले हैं औरंगिया डैम के पास, और यहाँ पर खूबसूरती का बाला है कुछ अलग है, कुछ लटा है, कुछ गला है, कुछ बला है। और यहाँ पर तो फिलहाल में डीजे भी चल रही है, और ये रहा औरंगिया डैम, ये चेक करो, इधर रहा औरंगिया डैम, वन ऑफ द मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ बिहार। और यहाँ का पानी का कलर चेक करो गाइस, पानी का कलर चेक करो, आप लोगों को बीच बीच में टापू मिल जाएगा, टापू पर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। और पानी का कलर चेंज करो, उधर ब्लू है, इधर थोड़ी सी वाइट है, और ये खूबसूरत सा रहा औरंगिया डैम। तो फिलहाल में गाइस अभी है बिहार का बांका डिस्ट्रिक्ट में, और बांका डिस्ट्रिक्ट में सबसे खूबसूरत से लोकेशन पर, और लोकेशन बात कर सकते हैं तो नेचर प्रेमी का बहुत पसंदीदा लोकेशन है, क्योंकि यहाँ मीठी हवाओं के साथ ये ब्लू ब्लू है पानी, और लगा दे जवानी में आग है ये पानी। तो अभी हम लोग हैं बिहार के कहे गोवा जाने कहे जाने वाले औरंगिया डैम पर, औरंगिया डैम पर, और यहाँ बिहार टूरिज्म की ओर से तो बहुत सी काम अभी हो रही है। बीच बीच में देख सकते हैं रिसोर्ट बना हुआ है, टापू बना हुआ है, टापू पर बैठ के आ करके पिकनिक बना सकते हैं। और बात करें यहाँ के खूबसूरतियों का, इसलिए जाना जाता है कि इस पर वाटर स्पोर्टिंग का और फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे आप लोग स्पीड बोट कर सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं, राइडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर अल्ट्रा
मेगा रूप में यहाँ पर स्पोर्टिंग किया जाता है, वाटर स्पोर्टिंग, और साथ में बैलून वाला भी हिलाया जा रहा है और कैफेटेरिया भी पीछे बनाया गया है। और इसका पानी का कलर देख सकते हैं, ब्लू है तो पूरा पेट्रो कलर कैसा लग रहा है, आगे पूरा ब्लू है, बीच में थोड़ा सा हरियर रंग का है, ऐसा ही खूबसूरत है। और ये चारों तरफ से पहाड़ के घिरे होने के कारण यहाँ के जो हवाइयों में मिठास है उसी कारण यहाँ पर बिहार से टूरिस्ट लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। तो बेहद ही खूबसूरत लोकेशन है, तो फिलहाल में आप लोग को रोड टॉप में दिखाते हैं। हनिया डैम और देख सकते हैं कि इसका पानी का कलर कितना खूबसूरत है भाई। तो यहाँ पर पूरे बिहार से टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, हम लोग भी चलते हैं थोड़ा सा नौका बाहर का मजा ले लेने, क्योंकि यहाँ का नौका बिहार बहुत प्रसिद्ध है भाई। और यहाँ पर बिहार का एकमात्र ऐसा जगह पर है जहाँ पर स्पोर्ट नौका बिहार होता है, मतलब स्पीड वाला, आपने देखा होगा गोवा इस समय, वहाँ पर इस चीज़ का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो फिलहाल में चलिए गाइज, आप लोग को भी कुछ सीनरियों का मजा दिलाते हैं। थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब लग रही है हमारा गाइज, क्योंकि कल जो सिमुतला में रहे वो शिमला वाला ठंडा चला, टी शर्ट पहन के सो गए, आज तो दम भाई हालत पूरा पंचर हो रखा, कुछ करने में मन ही नहीं लग रहा है एकदम, आप लोग को बिना माने नहीं ना लगता है। चलिए गाइज, डैम के तट पर और ये पूरा पीछे नदी रहा, इसको डैम के रूप में बनाया गया और इसका पानी का कलर देख सकते हैं, पीछे पूरा ब्लू आ रही है, उस पर ग्रीन, उस पर भाई और पानी का फुहार देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर मार रही है जो पानी के कारण, हवा के कारण। और अगर आप लोग यहाँ बोटिंग करना चाहते हैं तो प्रति पर्सन 100 रुपया देकर बोटिंग कर सकते हैं, 8 लोग हो गए तो आप इसके बाद बोटिंग कर सकते हैं। और ऐसा यहाँ का खास सुविधा है कि अगर पूरा बोट बुक करना चाहते हैं तो 800 का जो बोट है वो 700 में हो जाएगा। और ये बिहार का बेहद खूबसूरत डैम है, यहाँ पर साफ सफाई का पुख्ता एग्जाम रखा गया है, लेकिन कुछ कुछ सैलानी आते हैं उसको गंदा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ पूरा मजा ले सकते हैं। तो फिलहाल में चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, और ये लोकेशन बहुत खूबसूरत है भाई, बेहद ही खूबसूरत, और हनिया डैम चलते हैं आगे।